हरियाणा से इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और खबर है कि उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस में शामिल कराया है। कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है वहाँ पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी, चाहे उनका मुद्दा हो, मैं उन पर असहज था। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूँ। बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की पार्टियों में अब दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही है, जहां महाविकास आघाड़ी में लोकसभा की सीट को लेकर के विवाद बढ़ गया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी से मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि अभी सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं के बीच ही अमोल कीर्तिकर को पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जबकि इस सीट पर कांग्रेस के संजय निरुपम पहले से ही दावेदारी करते रहे और अब इस वजह से कांग्रेस नाराज हो गई है। शनिवार को मुंबई में पार्टी के एक कार्यक्रम में ही उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दिया। और खास बात यह है कि अमोल कीर्तिकर के पिता गजानन कीर्तिकर, जो कि अब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं बल्कि शिंदे के साथ जा चुके हैं, और ऐसे में एक घमासान अब शिवसेना और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे के मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई है और कांग्रेस नेता ने अपनी नाराजगी बकायदा ट्वीट करके जाहिर भी कर दी है। ऐसे में संजय निरुपम ने ट्वीट करते हुए लिखा, बची खुची शिवसेना के प्रमुख ने अंधेरी में उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से एमबीए के उम्मीदवार को घोषित कर दिया, जबकि कई मीटिंग के बाद भी सीट शेयरिंग पर अभी तक के फैसला नहीं हुआ है। 8 से 9 ऐसी सीटें हैं जिन पर बातचीत लगातार जारी है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का सीधे आरोप लगाया है। साथ ही साथ उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को घोटालेबाज तक करार दिया है। और अब इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूरी घटना को कांग्रेस को नीचा दिखाने वाली हरकत भी करार दिया है और कांग्रेस आलाकमान से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग भी संजय निरुपम ने की है। शिवसेना उद्धव गुट में संजय निरुपम पर पलटवार कर दिया है। आनंद दुबे ने कहा है कि उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट हमारी है, संजय निरुपम को अपनी पार्टी में बात करनी चाहिए। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से पलटवार हुआ। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दें, जब वो सीट हमारी है। हाँ, आपकी सीट होती और हम उतार देते तो यह गलत बात होती, यह मित्रता का जो हमारा पक्ष है उसके खिलाफ जाता, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है। अमोल कीर्तिकर भैया पर ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि वो कोई दोषी हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। संजय